साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा को 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आशीष मिश्रा को राहत मिली है। इस खबर पर हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत मिल गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी जी, बिल्कुल आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी जो आशीष मिश्रा उर्फ मोनू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। राहत के तौर पर उन्हें जो है 8 हफ्ते की जमानत मिली है, वो भी कई शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें ये साफ तौर से कहा गया कि आप दिल्ली और यूपी में नहीं रहेंगे और जहां भी आप रहेंगे रुकेंगे बराबर अपनी लोकेशन जो है कोर्ट को शेयर करेंगे, और जो एक ट्रायल केस का जो ट्रायल चल रहा है कोर्ट में उसमें भी कोई दखलंदाजी या उसमें छेड़खानी या जो कोई जितने भी गवाह है केस में मुख्य गवाह है उनको अगर कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो सीधी तौर से आपकी जमानत तत्काल रद्द कर दी जाएगी और फिर जेल जाना होगा। तो ये तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, उनको इन मुद्दों के साथ आज जमानत मिली है। जी मैम, तिकुनिया हिंसा कांड एक बड़ा मामला था, उसके मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा, तो किन वजह को देखते हुए इन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई? जी देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट जो इससे पहले उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, उसके बाद में जो किसान थे किसानों ने फिर से याचिका डाली और जमानत रद्द करने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की थी। आज कई पहलुओं पर विचार करने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है और कई बिंदुओं को देखते हुए और कई शर्तों के साथ उनको जो है 8 हफ्ते की जमानत मिली है। तो ये और अगर एक बात और आपको मयूर जी बता दे, तिकुनिया हिंसा कांड में 4 प्रदर्शनकारी किसान व एक पत्रकार सहित 8 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद में ये एक नेशनल इशू मुद्दा बना था और ये अभी तक तो अब उनको ये कई शर्तों के साथ 8 हफ्ते की जमानत मिली है और 14 मार्च को फिर से इसकी सुनवाई है। धीरज, जो जिन शर्तों के आधार पर इन्हें जमानत दी गई है वो कौन कौन सी मुख्य शर्तें हैं? देखिए अभी जो पूरा मामला जो निकल करके सामने नहीं आ पा रहा, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु देखे गए जिन पे इनको जो है जमानत दी गई है। जी धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित इमारत गिरने से अफरा तफरी मची हुई है। मलबे में फंसे जिंदगियों को आज भी बचाने की कोशिश लगातार जारी है। इस बड़े हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अलाया अपार्टमेंट में हुए हादसे से चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। बता दें, बड़ा हादसा कल रात हुआ था जिसमें कई लोग घायल हुए थे। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी लगातार बचाव कार्य जारी है। लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। मलबे में अब तक 14 लोगों को निकाला जा चुका है। हादसे से चीख पुकार का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें, लखनऊ में कल बड़ा हादसा हुआ था। 5 मंजिला इमारत गिरी थी जिसमें
कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, कल रात लखनऊ के हजरतगंज में 5 मंजिला इमारत गिरी थी, बड़ा हादसा हुआ था, कई लोग घायल हुए थे, वहीं अब 2 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? इलाके में कल एकाएक एक बहु इमारत ध्वस्त हो गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहत एवं बचाव का कार्य कल उसके बाद से शुरू कर दिया गया। आपको बताएं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतः संज्ञान में लेते हुए एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और आर्मी को युद्ध स्तर पर के भेज के और राहत बचाव कार्य जारी है। आपको बताएं कि लगभग 20 घंटों से राहत बचाव का कार्य चल रहा है, वहीं अब तक लगभग 15 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है और मिली जानकारी के अनुसार अब तक 2 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है। अभी अगर बात की जाए तो मुंबई से टीमों को बुलाया गया है जो पूरी बिल्डिंग को कहीं ना कहीं देखे तो उसमें जो फंसे दबे लोग हैं उनको लगातार निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वही राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो हल्की बूंदाबांदी से कहीं ना कहीं रेस्क्यू में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताएं कि जब बिल्डिंग से वहां से जो घायल है उनको आस पड़ोस के अस्पतालों में चाहे बात की जाए KGMU, चाहे बात की जाए राम मनोहर लोहिया, इन अस्पतालों में दाखिल कराया गया, तो अब उसमें से जो घायल लोग हैं उनके तरफ से बताया गया है कि बिल्डिंग में मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था और लगभग 20,000 रुपए हर एक फ्लैट के स्वामियों से लिया गया था मेंटेनेंस के नाम पे। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मामला अब तूल पकड़ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता के पुत्र के द्वारा ये अपार्टमेंट का निर्माण कराया गया था। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने मामले को संज्ञान में लेते हुए टीम गठित करके लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब, साथ ही साथ PWD चीफ और ADG जोन पीयूष मोडिया को इस टीम में रखा है और इन तीनों के द्वारा हफ्ते दिन के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी होगी। अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है, क्या अभी भी वहां लोगों की दबे होने की आशंका है? जी, एनडीआरएफ के मुताबिक अब तक लगभग 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 2 लोगों को मृत पाया गया है। आपको बताएं कि अभी माना ये जा रहा है कि लगभग 4 से 5 लोग, एनडीआरएफ जो बता रही है उसके मुताबिक 4 से 5 लोग और मलबे में दबे हैं। धीरे धीरे देखा जाए तो हर एक कोने पर बिल्डिंगों के पोर बनाकर डॉग स्क्वाड टीम की मदद से हर एक जगहों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ अब बताएं कि मुंबई की टीम अपने साथ कैमरे लेके आई है जो कैमरे के माध्यम से भी अंदर कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हैं उनकी तलाश कर रही है। और बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं सियासी घमासान इस पर तेज हो गया है, जहां जिशान हैदर की तरफ से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनके परिजन इसमें कहीं ना कहीं इस हादसे का शिकार बने, उनका कहना है कि जो राहत बचाव का कार्य है उसे कहीं ना कहीं लीपापोती के तौर पे किया जा रहा है जिससे उनके परिवार की लोग परिवारजनों की मृत्यु हुई है। उनका कहना है कि जब रेस्क्यू चल रहा था तो उनके लोग उनके द्वारा बताए गए जगहों पर खुदाई नहीं की जा रही थी, तो तमाम आरोप लगाए हैं। अब कहीं ना कहीं आरोप अब जो जांच होगी उसके बाद साफ होगा, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो याजदान ग्रुप और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के पुत्र के द्वारा ये अपार्टमेंट बनाया गया है और इसको लेकर अब जांच कमेटी बना दी गई है। जी विवांशु, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो अलाया अपार्टमेंट के आसपास की बिल्डिंग है उनको खाली करवाया जाएगा, नगर निगम और विकास प्राधिकरण ने ये फैसला लिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो आस पड़ोस की बिल्डिंग है उसको भी कहीं ना कहीं उसका सॉइल टेस्ट चेक किया जाएगा और साथ ही एलडीए की तरफ से जो मानकों के विपरीत बिल्डिंग बने हुए हैं उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बताएं मयूरी कि हाल ही में अगर देखें तो विगत कुछ महीने पहले लखनऊ के अंदर में लिवाना फायर कांड हुआ था, जिस साफ तौर से नगर निगम की तरफ से एनडीए की तरफ से विशेष अभियान चलाकर लखनऊ की जो कमजोर इमारतें हैं उसका मूल्यांकन किया गया था, कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो याजदान द्वारा
जो बिल्डिंग गिरी है आलिया अपार्टमेंट, इससे सवालिया निशान खड़ा होता है कि जब इतने जांच चली, जब एक अभियान के तहत राजधानी लखनऊ की कमजोर इमारत जहां फायर सेफ्टी नहीं थी, अग्निशमन के साथ साथ जो इमारत नक्शे पास के बावजूद है, बिना नक्शे पास के बने थे, उस पर कार्रवाई की बात कही गई थी, तो अब ये हादसा कैसे हुआ, ये कहीं ना कहीं जो सर्वे हुआ था उस पर भी सवाल खड़ा करता है। जी विवांशु, जानकारी के मुताबिक अलाया अपार्टमेंट को 2010 में ही गिराने के आदेश दे दिए गए थे, फिर क्या वजह रही कि इसको नहीं गिराया गया? जी इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, मगर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अलाया अपार्टमेंट को एलडीए की तरफ से पहले ही नोटिस दी गई थी, मगर उनके जो अलाया अपार्टमेंट का प्रशासन था वो वहाँ मरम्मत का काम, पाइपलाइन का काम, और जैसा कि वहाँ के पीड़ितों ने बताया कि 20,000 रुपए मरम्मत के नाम पे लिए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और मुख्यमंत्री के द्वारा जो टीम बनाई गई है, जो जांच कमेटी बनाई गई है, वो जल्द से जल्द जांच करके और हफ्ते दिन के भीतर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगी। जी जी विवांशु, अभी भी इस हादसे में लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, तो अभी कितना और वक्त लग सकता है? जी अगर बात की जाए तो लखनऊ के डीजीपी की तरफ से कहा गया है, डीएस चौहान की तरफ से, कि लगभग अभी जो राहत बचाव कार्य है उसमें तेजी लाई गई है, मुंबई की टीम आने के बाद कहीं ना कहीं राहत बचाव का कार्य जो है वो तेजी के साथ किया जा रहा है, और माना ये जा रहा है कि लगभग 5 से 7 घंटों में पूरा रेस्क्यू का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। अभी अगर बात की जाए तो तृतीय तल तक जो पोल बनाकर लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है वो चल रहा है, और बात की जाए तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो आला कमान है वो अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाइयों की झड़ी कहाँ कहाँ लगती है। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कल रात बड़ा हादसा हुआ था, हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहीं अभी भी लगातार बचाव कार्य जारी है, लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। बता दें इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं इस हादसे का खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें अचानक से ये बिल्डिंग गिरी जिसमें बड़ा हादसा हो गया। बता दें इस पूरे मामले में सीएम ने जांच कमेटी बनाई है, हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लखनऊ के इतिहास में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, गणतंत्र दिवस की परेड किसी उत्सव की तरह दिखती है, लखनऊ की हर सड़क में भीड़ हजरतगंज की तरफ बढ़ती दिखती है, यह भीड़ सुबह 7 बजे से ही घर को छोड़ देती है जिससे परेड देखने के लिए ऊंची जगह मिल सके। हजरतगंज चौराहे से लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम की सड़कें के दोनों तरफ जनसैलाब सा दिखता है, बच्चे बुजुर्ग भी इस परेड का गवाह बनते हैं। प्रशासन ने भी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, हर जगह देशभक्ति से जुड़े गीत गूंज रहे होंगे। विधान भवन मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है जिसमें मुख्यमंत्री समेत सभी विशिष्ट लोग मौजूद रहेंगे। बता दें गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, विधान भवन को पूरी तरह से सजा दिया गया है। बता दें हजरतगंज चौराहे से लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक दोनों तरफ लोगों का जनसैलाब देखने को मिलता है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, बता दें गणतंत्र दिवस की परेड किसी उत्सव से कम नहीं होती,
विधान भवन आकर्षण का केंद्र होता है। बता दें राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। विधान भवन को पूरी तरह से गणतंत्र दिवस के मौके पर तैयार कर लिया गया है, क्योंकि विधान भवन आकर्षण का केंद्र होता है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। गणतंत्र दिवस की परेड किसी उत्सव की तरह दिखती है। लखनऊ की हर सड़क से भीड़ हजरतगंज की तरफ बढ़ती दिखती है। यह भीड़ सुबह 7 बजे से ही घर को छोड़ देती है, जिससे परेड देखने के लिए उचित जगह मिल सके। हजरतगंज चौराहे से लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम की सड़कें के दोनों तरफ जनसैलाब सा दिखता है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, गणतंत्र दिवस कल है, क्या कुछ तैयारियां लखनऊ में देखने को मिल रही है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि गणतंत्र दिवस व्यक्ति के जो मन में हर्षोल्लास का माहौल होता है और देशभक्ति का माहौल होता है, और राजधानी लखनऊ को यहाँ का नजारा देखा, ये इलाका जो है हजरतगंज का दिल माना जाता है और सबसे पॉश इलाका है। देख सकते हैं कि बिल्डिंगों में तिरंगे की थीम पे तिरंगे को सजाया गया, लाइट्स भी देख सकते हैं, हर वो स्ट्रीट लाइट पे लाइट्स को लगा गया। कुल मिला के देखा जाए तो देशभक्ति की भावना हम भारतीयों में जो हमेशा की थी, वो हमेशा की रहेगी। 71वां गणतंत्र दिवस अपना देश मना रहा है, यहाँ पर कुछ विशेष इस बार तैयारियां रहेंगी। जो बच्चे हुआ करते थे उनको इस बार प्रशासन ने साथ लिया है और वो साथ प्रशासन की कार्य करेंगे, झलकियां दिखाएंगे, एक पब्लिक कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि इस बार जो अयोध्या में दीपोत्सव का जो हुआ था कार्यक्रम, उसको भी खास तौर पर दर्शाया जाएगा अपनी झांकियों में, और जो राम जी की जो पुष्पक विमान था उसको भी साथ साथ दिखाया जाएगा जी। तो कुल मिला के देखिए, हर एक व्यक्ति में हर्षोल्लास की भावना है और घर से सुरक्षा को लेकर अभी चार चौबंदे लखनऊ पुलिस, यूपी पुलिस और जितने भी खुफिया एजेंसी, क्योंकि पहले से भी अलर्ट कर दिया गया था कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी घटनाएं न हो जाए, तो हर जगह से पुलिस आपको मुस्तैद मिलेगी। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी पुलिस अपना हर किसी को जागरूक कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम जो हमेशा से एक बहुत ही बेहतर प्रोग्राम हुआ करता था, इस बार फिर से वो राजधानी लखनऊ में बनेगा और लोगों में हर्षोल्लास की भावना अभी से देखने को मिल रही है जी। सागर, सबसे ज्यादा परेड देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो ट्रैफिक की होती है, तो रूट डाइवर्जन का क्या कुछ प्लान रखा गया है? देखिए, कुल मिला के हजरतगंज की तरफ जितने भी वाहन आने वाले उनको वहीं से चारबाग से रूट डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि जो झलकियां हैं वो चारबाग से होकर केडी सिंह बाबू तक जाती है, वो विधानसभा से होकर जाती है, और जो इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और पुलिस से हैं, पीएससी के बल हैं, जो एटीएस के लोग हैं वो अपनी झांकियां भी निकालेंगे और कुल मिला के जो राज्यपाल को संबोधन करेंगे, राज्यपाल को सल्यूट करके वहां से निकलेंगे और उसमें कई बच्चे भी सम्मिलित रहेंगे। और इस बार मैंने जैसे कि आपको खास बताया कि जो सड़कों में जो लिया है उन्हें भी उनके मन में एक देखने को मिल रहा है। धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के।
बॉलीवुड रोमांस किंग शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान से जुड़ा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक दृश्य में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई बिकनी का विरोध किया गया तो फिल्म मेकर्स ने उस सीन को ही फिल्म से हटवा दिया था। लेकिन अभी भी लगातार हिंदू संगठन के लोग इस फिल्म की रिलीज को लेकर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। देश भर में फिल्म को रिलीज न करवाने को लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं लखनऊ, आगरा, कानपुर समेत कई जगह लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें, हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, लगातार वो फिल्म को रिलीज ना करने की बात कह रहे हैं। बता दें, फिल्म पठान से जुड़ा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग रोड पर उतर रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर से अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान से जुड़ा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड द्वारा सीन को हटा भी दिया गया है, तो अब लोगों की क्या मांग है, क्या लेके वो रोड पर उतरे हुए हैं? शाहरुख खान की मूवी पठान का लगातार बहिष्कार हो रहा है। इसके अलावा बता दो, जिस हिसाब से जब विरोध जारी हुआ, विरोध जारी होने के बाद कुछ कैंची चलाई गई, जिस फिल्म में जिस गाने को लेकर आपत्ति की गई थी कि भगवे को लेके, इस गाने में जो दीपिका पादुकोण ने भगवे कलर की ड्रेस पहन रखी थी, उसको लेके एक बड़ा आरोप लगाया था संगठनों ने, जिसके चलते कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड ने भी इस पर कार्रवाई की थी। कार्रवाई करने के बाद नियमानुसार जो भी इस पे लोगों की जिस चीज को लेके मांग थी उसको हटा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन के लोग हैं लगातार इस पर विरोध करते आए हैं। हालांकि कल कानपुर में भी इस चीज को लेके बजरंग दल के लोगों ने जो काफी अफरा तफरी मचाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की अच्छे रवैये से इस पर कंट्रोल लगाया जा सका। और आज जिस प्रकार से थिएटर्स में पुलिस बल मौजूद था कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो और किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार का कोई आपत्ति कोई जाहिर ना करे, जिसके चलते हर कार्यक्रम जितने भी थिएटर्स थे जहाँ पे पठान मूवी लगाई गई थी वहाँ पे भारी फोर्स तैयार कर दिया गया था। हालांकि इस चीज को लेकर कानपुर में ऐसा कोई भी प्रकरण सामने नहीं आएगा किसी का किसी तरीके का विरोध यहाँ पे जाहिर किया हुआ, लेकिन कल तक विरोध था, लेकिन आज जिस प्रकार से देखा गया पूरी शांति है, और जिस तरीके से जितना विरोध मूवी का हुआ था तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान की पीआर टीम ने और मूवी की जो पीआर टीम थी उसने अच्छा काम किया कि अमिताभ बच्चन और सलमान खान को एक स्टेज पे लाकर, और जिस तरीके से इन लोगों के बयान आए थे तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान के लिए वो बहुत अच्छी चीज रही, और जो कि जिसका अच्छा खासा चीजें देखने को मिल रही है। जितने भी थिएटर्स हैं सभी के हाउसफुल है, और देखने वाली बात होगी वीकेंड तक, आखिर कल 26 जनवरी भी है और 26 जनवरी में छुट्टियां होती हैं, तो इसको भी इसका भी एक खासा असर देखने को मिलेगा। हालांकि 4 साल बाद जिस तरीके से शाहरुख खान से एक मूवी लॉन्च हुई है तो कहीं ना कहीं एक बॉयकॉट का भी ट्रेंड चला था, लेकिन इस चीज को दरकिनार करते हुए जिस हिसाब से थिएटर्स के अंदर फिल्म चल रही है तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान को इससे काफी खुशी होगी। जी जी, धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबर में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।